कुछ चुन्नी तो लेके जा रहे अभी पीछे ही चेकअप के लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। और अभी व्लॉग की शुरुआत हो रही है दुकान में बैठ के। इससे पहले तक रूम पे ऊपर काम वगैरह चल रहा हुआ था, जैसे कि पापा ने जाना था तो फिर उनको तैयार वगैरह कर रहे थे, फिर और भी बहुत सारे काम थे, फिर वो करे, फिर अब नीचे आई हूँ दुकान के लिए क्योंकि ये लोग चले गए सारे PGI। एक जैसे कि पापा की ना कीमोथेरेपी भी चल रही है और ये दूसरी प्रॉब्लम भी है, तो बोलते एक बारी जाके देख लेते हैं, फिर डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, होगी कीमो कि नहीं होगी, फिर वहीं पर पता लगेगा। अदरवाइज ऐसे ही होता है कि नहीं जाएंगे तो फिर डॉक्टर्स बोलेंगे कि आप लोग पिछले हफ्ते नहीं आए, अगले हफ्ते जाएंगे मान लो बुक के, तो शायद फिर बोलेंगे कि फिर कुछ होता ही है, डॉक्टर्स का क्या रहता है, अपना ही रहता है। तो तभी वो लोग चले गए, मैं भी अभी दुकान में बैठी हूँ बस, मतलब कि बैठूँगी 11-12 बजे तक, देन मैं ऊपर जाऊँगी, फिर खाना खुना खाऊँगी, तब वापस आएँगे 2-3 बजे, तब तक बैठते आराम से दुकान में। कौन है ये जरा बोलो? कार्तिक। कार्तिक, कार्तिक। किसके पास बैठो आप आज? उधर बैठी हूँ। उधर तो अभी ये आया कार्तिक। किसका है थैला? आपका है और किसका है? मम्मा का है। मम्मा का है, तो इनकी मम्मा गए हुए इधर, गए कलते आगे पड़ोसी के, तो बोलते 2 मिनट के लिए बैठो जरा यहाँ पे, तो अभी थोड़ी देर के लिए हमारे पास है कार्तिक। मैंने कहा ये मेरे पास आज रिकॉर्ड करने को और कुछ नहीं है, दिन भर जो जो होता है बीच में। समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? क्या बोल रही हूँ? कुछ नहीं। लो मम्मा भी आ गए। मम्मा आ गई। हाँ मम्मा आ गई। भागा मम्मी आ गई। बाबी वीडियो आ रही। चलो आओ वीडियो में। जाओ बाबी के पास ही जाओ। मैं जाती हूँ। नहीं चल बड़ा सीधा सीधा। चलो बाबी के पास रहना। चला गया बस थोड़ी देर के लिए था, 2 मिनट के लिए हार्डली। हाय कोल्ड हो रहा है यार, गले में दर्द, जुकाम। पता नहीं क्या है, एक तो ना एकदम से ऐसे रहता है आजकल ना, सच में बहुत ही गंदा सीन चला हुआ है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है ना, मैं ना 3 हफ्ते होने को आ रहे हैं शायद, कब गई थी मैं दिल्ली, दिल्ली से पहले से ही मैं बीमार चली हुई हूँ, फिर दिल्ली गए वहाँ पे भी बीमार, फिर वापस आए, फिर उसके हॉस्पिटल के चक्कर, अब यहाँ पर अभी भी यहाँ पर भी बीमारी ऐसी है। बोर हो रहा है यार, मैं पूरा दिन क्या करूँगी, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है, दुकान में बैठे रहना है पूरा दिन, तो सोच लो मैं कितना बोर होऊंगी। मुझे धूप भी नहीं है अच्छी, बादल है। तो मैं गई थी शॉप बंद करके ऊपर, नहाई आराम से, फिर उसके बाद मैंने खाना खाया, मेडिसिन ली, देन मैं अब वापस आ गई दुकान के लिए। जिस टाइम मैं ऊपर गई मेरे को ना ध्यान ही नहीं रहा ब्लॉग शूट करने का, क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं थी, फ़ोन चार्जिंग पे लगाया, मैंने कहा फटाफट से अपना काम करूँ, नहा लूँ, खाना खा लूँ, फिर उसके बाद वापस। तभी उतनी देर में फ़ोन चार्ज भी कर लिया, तब नीचे आई अभी अभी, मैंने कहा अच्छा कुछ तो मिसिंग है, हाँ ब्लॉग नहीं बन रहा है। तो अब खोला है कैमरा, बिल्ले बोर होते यार, धूप भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, हाथ भी इतने ठंडे हुए पड़े हुए। तो मैं ना काफ़ी देर से लेकर अंदर बैठी हुई थी दुकान में, जैसे कि ना ठंड लग रही थी, मैंने कहा आग जलाते, तो मैं आग जलाने लगी, मेरे को आग जल तो गई, रुला भी दिया इसने धुएं ने। बड़ी मुश्किल से तो आग जली है, थोड़ी सी जली है, फिर लकड़ियाँ लगाएंगे। आंटी अभी लकड़ियाँ लेके आए आग जलाने के लिए। अरे बड़ी मुश्किल से इतनी आग जली है, इस आग को जलाते जलाते ना इसने मेरे को पता नहीं कितना रुला दिया होगा।
इतने टाइम बाद मैंने आग जलाई है, कसम से धुआं ही धुआं हो गया था, लेकिन पहले तो ठीक है, अब ठीक है। और घर वाले भी पहुंचने वाले थोड़ी देर में, उनकी कॉल आई थी, बोलते मना कर दिया कीमो तो नहीं लगी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि पहले न्यूरो वाले अगर बोलेंगे कि ठीक है तबीयत तभी लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। तो वापस आ गया वो लोग, क्योंकि मंडे को होते हैं न्यूरो वाले, तो अगले मंडे को जाएंगे। अभी थोड़ी देर में पहुँचेंगे, पता नहीं कब तक पहुँचेंगे, क्योंकि 3 बजे की थी उन्होंने कॉल शराब में, बोलते यहाँ से निकल गया पीजी से। एक तो कोल्ड, एक धुआं, ऊपर से सिर दर्द, भाई सब ऐसा मिक्स हुआ ना जी, इसको जलाते जलाते। चलो मेहनत रंग लाई, और बच्चा पार्टी यहाँ पे खेल रहा है आगे को, तो गायब हो गए इधर पे। अरे जो हम भी खेलते थे कभी बचपन में, कार नेम, ये नेम, फ्रूट नेम करके उसके पीछे भागते रहते थे, वैसे भाग रहे लोग, लंबा ही नहीं था तेरी, क्या क्या मजे आ रही इनको देखने की भी, अपना बचपन सा याद आ रहा है यार कि हम लोग भी ऐसे खेलते थे। सब्जियों में से, फ्रूट में से, एनिमल में से, उनके नाम रख रहे सारे अभी तक मैं अकेले आग सेक रही थी, अब आंटी भी आ गया आग सेकने। आंटी से पहले आए थे सामान लेने, सब मेरे लिए लकड़ियाँ भी लेके आए और अपना सामान लेके गए, बोलते मैं आती हूँ आगे वापस दीदी आप अकेले तो बोर ही हो रहे हैं। सब अब अपने घर चले गए, बस मैं ही बच गई जो आराम से आग सेक रही हूँ अभी। लेकिन अरे इस धुएं ने ना मेरी लेनी देनी कर दी है, क्योंकि मैं ना जिस डायरेक्शन में बैठ रही हूँ ना, चलाते वक्त तो मेरी बैड बजी, लेकिन उसके बाद मैं जिस डायरेक्शन में बैठ रही हूँ धुआं उधर को ही आ रहा है। मैं बता, आंटी बोलते इधर को आ जा, उधर बैठी उधर धुआं आया, उधर बैठी उधर धुआं आया, फिर इधर को बैठी इधर धुआं आया, इधर को बैठी फिर इधर को धुआं आया। अब तो मैं एक ही जगह बैठी हूँ, मैंने कब तो आता रहे धुआं, जिस डायरेक्शन में भी आना तो आता रहे। हाँ दुखी कर दिया। साढ़े छः हो गए अभी, बैठो आराम से। देखो धुआं भी निकल रहा है, आग भी जल रही है पटाखे भी बज रहे हैं। मैं अकेले बैठ के पागल हो गई, आग सेकने बैठे हैं और खा रहे हैं। हाँ भैया ने दिया ये कार्तिक भी रे वो लगा हुआ है शक्कर वाला निकाल रहे हैं। ए आंटी आग भी खाओ, आग हमने ऑलरेडी बुझा दी, तो थोड़ी थोड़ी सेकने को, हमने शक्कर वाला लेने पा दी थी आप भी पास थी। मुझे मीठा नहीं पसंद यार, इसमें क्या है, नमकीन भी ना, नमकीन ले लो मक्की की रोटी बना यार। मक्की की रोटी बना नहीं इसे लाया था बड़े यार बेटा। अच्छा तो अभी बज रहे हैं 9 और 9 बजने के लिए भी 15 मिनट है, तो मैं अभी आई हूँ शॉप बंद करके। हम लोग बैठे हुए थे क्योंकि पार से आंटी आ गए थे, फिर नीचे से और भी लोग थे, तो हम लोग बैठे हुए थे गप्पे मार रहे थे, तब टाइम का पता नहीं लगा, नहीं तो अगर मैं अकेली होती 8 बजे ही आ जाती शॉप बंद करके। तो लोग बैठे थे, फिर आग भी लगाई हुई थी, तो मैंने आग भी सेको आराम से और फिर आराम से जाएंगे। तो घर वाले तो नहीं आ रहे क्योंकि पापा का चेकअप, जैसे मेरे को ऐसा था कि शायद अगले मंडे को करवाएंगे, जैसा मेरे को पहले बोला था कि अगले मंडे को करवाएंगे चेकअप, तो उस दिन आएंगे, तो वे भी शायद वापस, तो मेरे को बाद में पता लगा कि वो लोग नहीं आ रहे। तो मेरा डिनर बना हुआ है, मैंने बस चपातियाँ डालनी है, सब्जी बनी हुई है, और मैं बस अब डिनर ही करूँगी डायरेक्ट। मेरे को इतना कोल्ड हो रहा है ना सच में, इसकी वजह से ना पूरा हेड
इतना पेन में ना, नीचे से आंटी मेरे को बोल रही थी चले जाओ ऊपर। मैंने कहा इसको भूजने दो आग को, फिर ही जाती हूँ एक बारी, नहीं तो कहाँ इसको चक्कू मैं ऊपर और फिर उसको चक्के नीचे। फिर वो खत्म हुई आग भुज के, फिर उसके बाद मैं ऊपर आई हूँ। आज तो ना इस कोल्ड ने मेरी लेनी देनी कर दी है, पता नहीं कैसे हो गया एकदम से मेरे को, कल दिन से हुआ है शुरुआत। चलो तो मैं सोच आज ना, वैसे आज का पूरा दिन ना मैं शॉप में ही बैठी रही हूँ और मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जो मैं रिकॉर्ड करती, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी क्लिप्स रिकॉर्ड की है, अदरवाइज कुछ नहीं था रिकॉर्ड करने को। तो इस ब्लॉग को तो मैं यहीं एंड करने वाली, क्योंकि मैं डिनर करूँगी एंड देन डायरेक्ट मैं क्या बोलते हैं ब्लॉग एडिट करूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी, क्योंकि इसके बाद कर नहीं किया, स्टीम लूँगी सबसे पहले तो स्टीम ले लूँगी ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। हाय, तो इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।